हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 4G। डियर स्टूडेंट, येस्टरडे वी हैड कंप्लीटेड अंटिल क्वेश्चन नंबर 2। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं उन्हें हमें फिल करना है। डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइंड मिसिंग नंबर। ओके, मीन्स जो हमें नंबर मिस दिए हुए हैं, मिसिंग हैं, ये उन्हें हमें फिल करना है। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू डैश। क्या है कि 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे फिल कर दो। वेरी इजी। तो हम 15 की तो टेबल सभी को ही आती है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 को 7 तक हम रीड करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 105। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। 12 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 108। मीन्स 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 108 आ जाए। ठीक है, इसको मैं आपको एक इक्वेशन से समझाती हूँ। देखिए, मैंने ले लिया, मान लिया a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू हमारा 108 है। ठीक है, अब देखो हमें a की वैल्यू इसने दे रखी है, मैंने इसको a और इसको b माना है। ठीक है, अब हमारी a की वैल्यू तो है ही, a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 12। ठीक है, b हमारे पास कुछ नहीं है, मीन्स हमें b निकालना है, इज इक्वल टू 108 आ जाएगा। ओके, अब b को तो मैं यही रखूंगी क्योंकि हमें ये निकालना है, इज इक्वल टू क्या है 108। जब ये 12 इधर जाएगा तो ये इसके अपोन में चला जाएगा। ठीक है, मीन्स हम 108 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 की टेबल तो सभी को आती है, क्या आ जाएगा 12 9 जा 108। तो क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 9 जा 108। क्या आंसर आया, 9। मैं यहाँ पे 9 फिल कर देती हूँ। 12 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 108 ही आएगा। ठीक है, मींस हमने क्या किया है, बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इस 12 को यहाँ इसके नीचे ले गए, फिर 108 को 12 से डिवाइड कर दिया है तो हमारा आंसर क्या आया है, 9। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें शुरू में ब्लैंक दे दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 132। मीन्स ये कहता है 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 132 आ जाए। सेम यही प्रोसेस चलेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, 132 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू निकाल लें चाहे हम बी की वैल्यू निकाल लें, दोनों में से क्या है जो हमें डिजिट दे रखी है उसको उससे डिवाइड करना है। अब 132 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। ठीक है, देखो 11 बन जाए 11, माइनस करेंगे 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2, और 1 में से 1 गया 0, ऊपर से क्या राइट कर लेंगे 2, क्योंकि 2 से इससे डिवाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 छोटा है 11 से, तो हमने ऊपर से 2 राइट कर ले, 22 बन गया, 11 2 जा 22। ठीक है, तो मीन्स क्या आया हमारे पास, 12। यहाँ पे लिख दूंगी मैं 12। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 132 ही आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, हमें एक बात ध्यान रखनी है बस, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कि अगर देखो 3 ब्लैंक दिए हुए हैं, एक यहाँ है इज इक्वल टू में, एक या तो बी की वैल्यू पे देगा या ए की वैल्यू पे देगा। ठीक है, ये तीनों है। अगर हमें यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमें यहाँ आंसर लिखना है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ ब्लैंक दे दिया और यहाँ ब्लैंक दे दिया तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, जो डिजिट दे रखी है उससे हमें इसको डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड क्यों करते हैं वो मैंने आपको इस इक्वेशन से समझा दिया। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73 मल्टीप्लाई 12। सिंपल, 73 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर यहाँ लिख दो। ठीक है, आप देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 73 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे नीचे, 1 3 जा 3 एंड 1 7 जा 7, 6
फोर प्लस थ्री सेवन और सेवन प्लस वन एट, कितना आया हमारा 876। यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिख दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 215 मल्टीप्लाई बाय 11, मीन्स 215 को 11 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम इसको कॉलम में तो लिख लें, 215 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ईजी है ये तो। 15 जो 5, 11 जो 1, 12 जो 2, नीचे मल्टीप्लाई का साइन। 15 जो 5, 11 जो 1, 12 जो 2। अब इसको क्या करेंगे हम? ऐड। 5 का 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 1 3 एंड 2। ओके, नाउ वी हैव 2365। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 505 मल्टीप्लाई बाय 11। 505 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको भी हम पहले कॉलम में अरेंज कर देते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 से करेंगे, 15 जो 5, 1 से 0 को करेंगे 0, 1 से 5 को करेंगे 5। ओके, फिर ऐसे ही दोबारा 1 से करेंगे, क्योंकि दोबारा 11 दे रखा है। तो 15 जो 5, 100, 0, 15 जो 5। ओके, अब इसको भी हम ऐड कर देते हैं, 5, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 0 5 एंड 5। ओके, वेरी इजी। तो हमारा क्या आ जाएगा? 5555। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।